जो भी व्यक्ति रिटायर्ड होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की, रिटायर्ड होने तक जो भी। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ। 26 मई 2023 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने एक लेटर जारी किया है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, और ये ऑफिस मेमोरेंडम जुड़ा हुआ है आउटरीच प्लान टू सून टू बी रिटायरिंग ऑब्लिक रिटायर्ड एम्प्लॉयज हु आर येट टू सबमिट देयर अनुभव राइटअप्स। यानी साथियों, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको सेवा काल के अनुभव के बारे में लिखना है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना है और आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने ये लेटर जारी किया है। तो आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है, ये अनुभव पोर्टल क्या है और इस पर किस प्रकार आपको अपना राइटअप अपलोड कर देना है। बस आपको जब से आप सेवा में, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी सेवा में भर्ती हुए, तब से लेके रिटायरमेंट तक आपकी ज़िंदगी के साथ में क्या क्या चीज़ें घटित हुई, वही अपने अनुभव राइटअप में लिखना है और उसको सरकार को भेज देना है। उसके बाद ये राइटअप सरकार सेलेक्ट करेगी और जो टॉप राइटअप्स होंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अवार्ड मिलेगा और साथ ही कैश अनुदान भी मिलेगा। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट मेंशन अबोव एंड टू से दैट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिस डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंटाइटल्ड अनुभव फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाइल वर्किंग विद द गवर्नमेंट बाई सबमिटिंग देयर अनुभव राइटअप्स। इट इज़ ए स्कीम फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉयज टू शो के सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स मेड ड्यूरिंग देयर सर्विस पीरियड। यानी अपनी सर्विस काल के दौरान जो भी अचीवमेंट है या उसका अनुभव है, वो अनुभव राइटअप में लिख सकते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक पहल है। एज पर द अनुभव अवार्ड्स स्कीम 2023, द रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑब्लिक पेंशनर्स कैन सबमिट देयर अनुभव राइटअप्स आदर 8 मंथ्स प्रियर टू रिटायरमेंट और विद इन 1 ईयर ऑफ देयर रिटायरमेंट। यानी 8 या तो रिटायरमेंट की तारीख से 8 महीने पहले तक भेज सकते हैं या फिर रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर अपना राइटअप्स लिख के सबमिट कर सकते हैं। बेस्ट 5 यानी जितने भी राइटअप्स आएंगे 1 साल में, उनमें से जो बेस्ट 5 राइटअप्स होंगे, अनुभव राइटअप्स, विल बी कन्फर्ड विद अनुभव अवार्ड्स इन द सेरेमनी टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023 में ये सेरेमनी होने जा रही है। इसमें जो भी टॉप 5 राइटअप आएंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको अवार्ड भी मिलेगा। साथ ही आगे लिखा है कि देयरफोर इन ऑर्डर टू इंक्रेज सबमिशन ऑफ हाई क्वालिटी राइटअप्स एंड आउटरीच प्लान हैज बीन डिवाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर वेलफेयर एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एन एसएमएस मे बी सेंड टू ऑल द एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑब्लिक पेंशनर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव एसोसिएशंस द कंटेंट ऑफ द एसएमएस इज एजेंट। यानी आपको एक एसएमएस मिलेगा और उसके ऊपर एक यूट्यूब का वीडियो भी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो मैं आगे आपको अभी दिखाऊंगा। तो आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा कि आप या तो आने वाले 8 महीने के अंदर अंदर रिटायरमेंट होने वाले हो या फिर आपको रिटायरमेंट हो चुके हो तो आप राइटअप भेज सकते हो। द अबोव वीडियो इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज DOPPW इंडिया ऑफिशियल। फर्दर एन ईमेल ऑन द सेम लाइन मे प्लीज बी सेंड टू द टारगेट ग्रुप्स एज मैंशन इन पैरा 3 बो। और मैसेज के साथ साथ एक ईमेल भी आएगा आपके ईमेल के ऊपर जिसमें आपको सेम चीज़ बताई जाएगी कि आप अनुभव राइटअप्स लिख के और सबमिट कर सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं और इस लेटर के जरिए भी बताया गया है कि सभी पेंशनर्स जो आने वाले समय में या तो रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, उनको ये जानकारी दी जाए कि आप अपना राइटअप जरूर अनुभव वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें ताकि हो सके तो आपका राइटअप है सेलेक्ट हो जाए और आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या विभाग द्वारा इनाम घोषित किया जाता है, जो सर्टिफिकेशन है, वो आपको मिले और आप एक उस अचीवमेंट को लाइफ टाइम तक याद रख सकें। तो ये लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने जारी किया है और इस लेटर को फर्दर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन विभाग है उन्होंने अपने अपने पेंशनर को आगे भेजा है। तो आप भी यदि आने वाले
8 महीने में रिटायर होने वाले हो या फिर रिटायर हुए हो, अभी एक साल हुआ नहीं है, तो अपना राइट ऑफ अनुभव वेबसाइट के ऊपर ज़रूर अपलोड कर दें। आप अपने ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ों को उसमें लिख सकते हो और जितना अच्छा आप राइट अप लिखोगे उसका सेलेक्ट होने का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा और आपको एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉल किया जाएगा, आपके राइटअप को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद टॉप जो राइटअप होंगे 5 उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही एक शानदार पहल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर की गई है, जिसमें एक पेंशनर अपनी सर्विस के दौरान जो भी उतार चढ़ाव या जितने भी एक्सपीरियंस या घटनाएं उसके साथ में हुई है वो अपने इस अनुभव राइटअप में लिख सकता है। अब आप पूरा वीडियो देखिए, ये एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है और उन्हीं की पहल के ऊपर ये शुरू किया गया है। आप डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का यह वीडियो देखने के साथ ही इस पूरे वीडियो को आप शेयर जरूर करना, ताकि जितने भी हमारे पेंशनर भाई है वो चाहे और उनमें इच्छा हो तो अच्छा सा राइटअप लिखें और सरकार को भेजें। एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाएं। जो भी व्यक्ति रिटायर्ड होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ड्राइवर हो तो भी, चीफ सेक्रेटरी हो तो भी, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तरीके के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर्ड हो रहा है उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की रिटायर्ड होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो, लिखो और इस क्लाउड में डाल दो। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 साल के बाद किसी को किसी राज्य का, किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर लिखना हो, समाज जीवन पर लिखना हो, इतना बड़ा खजाना कभी उपलब्ध हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का एक सराहनीय प्रयास है अनुभव पोर्टल, एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म जहां सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सेवानिवृत्त कर्मी अपने सेवा काल के अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी उपलब्धियां, जानकारी, सुझाव या फिर अनुभव सबके मन की बात का एक निष्पक्ष संग्रह है, एक ऐसा कोष जो भविष्य में प्रशासनिक कुशलता का आधार बन सकता है। इस अनूठी पहल की प्रेरणा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सिविल सर्विसेज डे 2015 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए इस दूरदर्शी विचार को सार्थक कर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया अनुभव पोर्टल। इस पोर्टल पर सेवा से रिटायर व्यक्ति स्वेच्छा से 5000 शब्दों में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अब तक सरकार के 92 मंत्रालयों तथा विभागों से 8740 लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के पेंशन आवेदन तथा ट्रैकिंग के लिए बने पोर्टल भविष्य पर भी अनुभव लेख साझा करने के लिए रिटायर कर्मियों को रिमाइंडर नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने अनुभव ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही उनके लेखन की गुणवत्ता भी बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने अनुभव अवार्ड्स की शुरुआत की है। 2-स्तरीय चयन प्रक्रिया लेखक के कार्यालय प्रमुख तथा विभाग प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर निर्भर करती है। चयनित लेखकों को माननीय मंत्री जी के हाथों उत्कृष्ट लेखन के लिए मेडल, प्रशस्ति पत्र तथा 10,000 रुपए की नकद राशि भी दी जाती है। हजारों रिटायर्ड कर्मियों की तरह आप भी अधिकतम 5,000 शब्दों में अपना लेख अनुभव पोर्टल पर शेयर कर सकते हैं। आपके लेख न केवल एक मजबूत संस्थागत स्मृति कोष के निर्माण में योगदान देंगे, बल्कि भविष्य की योजनाएं बनाने, कार्य प्रणाली को सुगम बनाने, वर्तमान कर्मियों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें सेवा के प्रति गर्व तथा आभार की भावना भरने में भी मदद करेंगे। आपकी सेवा की पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, आपके अनुभव बहुमूल्य हैं, इन्हें साझा करें। हमें विश्वास है संवाद की ये शुरुआत देश की चुनौतियों को समझने और नीतियों को गढ़ने में मील का पत्थर साबित होगी। विभिन्न विभागों के हजारों भूतपूर्व कर्मियों में से 15 सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए वर्ष 2020, 2021 तथा 2022 के अनुभव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।